तो प्रेम की बांसुरी बजती है, वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की या फिर मुरली धर कन्हैया। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, देखते हैं आज माधव कैसेट कंपनी घेरोर के माध्यम से ये जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, करवा चौथ वाले दिन किस तरह से पति और पत्नी में तकरार होती है। और आजकल के लोग इस लड़ाई में बर्बाद हो चुके हैं, घर घर में लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। देखेंगे उस कहानी पे मैं, वही सीटू शास्त्री नगला कहरी वाले, साथ में हैं भोलू शास्त्री जो हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। तो देखते हैं भक्तों, आजकल पारिवारिक कलह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, बुजुर्गों का घर में सम्मान नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति जो था अपने खेत पे काम करने के लिए गया, काफी देर हो गई खेत पे कार्य करते करते, लेकिन घर वालों ने चिंता नहीं ली। तब वो खेत पे अपनी फसल को रखा रहा है, कुछ गा रहा है, क्या कह रहा है, अरे हरिया हरिया कर चली गई धन्नो। हाँ बोलो, का कह रहे? बड़ी तेज में बोल रही हूँ, का चक करो? तुम्हें मालूम सवेरे उपास से? अच्छा हाँ, उपास से? हाँ। क्यों उपास? आज कितनो बड़ो त्योहार है, तुम्हें जाने मालूम? कौन सा त्योहार है बताओ, तुम्हें जाने वाले माजे कौन सा त्योहार? वही तो बताओ हमें तो। विश्व में जो त्योहार मनाया जा रहा तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ सो रहे हो? हम तो अपने खेत पे काम में लगे रहते हैं, हमें क्या मालूम कौन? और तो कोई खेत में लगो ही नहीं हो, ये तुम अकेले खेत में लगे हो। अरे तो बताओ कौन सा त्योहार है? वो बाग संशोधन करो दे, उपास नहीं हो। अरे करवा चौथ है, करवा चौथ। अच्छा हाँ, जाने कछु करवा चौथ है? हाँ। तो का करें, कौन का चाहती है सो बताओ। सवेरे के भूखे प्यासे रोटी तो बहुत दूर रही, पानी तक नहीं पियो। चलो पानी ना पियो। हाँ तो कोई बात नहीं, अब पी लो पानी। पानी आने तो हम बाद में पी, जब उपास तोड़िए तब। अच्छा तो हम का करें, का सो बात बताओ। आज अबे हमें बाजार ले भाई, चलो बाजार। हाँ आहा, सारी जिंदगी हो गई काम करते करते, एक भी काम नहीं करवा पाया,
और हर समय जब देखो तब बाजार चलो, बाजार चलो, कभी अफरती नहीं हो। एक बात बताएं। बोलो बोलो बोलो, तुम वही कह लो। मेरी समझ में तो ये आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? पति करते करते मर जाए। हाँ, पत्नी तो कुछ करती ना है। या सारे दिन बीमार रहे। क्या बात है, सही कह रहे, सही कह रहे हैं। नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पे खड़ा सुमार रहे। बाजार है चलो, कछु बनवाने के चक्कर में हम कछु ना चाहत, हम सिर्फ जा चाह रहे हैं कि हमें आज बाजार ले बाय चलो। कछु बनवावे के चक्कर में होयो बाद में झुमका बनवाए के ले आए। अब तुम फरी ना बाजार करके। सही कह रहे। एक बात और सुनो, पूजा करबे के बहाने से तुम रोज जलेबी खाती। जलेबी तुम करवा दो तुम कोई त्योहार पूजा करबे के बहाने से रोज जलेबी मंगाती। हाँ सही कह रहे। घर में नहीं पति को नींद दे दित मैं सड़क पूजी में जाती हो। सारी जिंदगी हो गई कहीं ये त्योहार कहीं वो त्योहार, घर में पति को पानी भर के नहीं देती हो और कहीं सड़क पूजने जाती हो, कहीं जलेबी मंगाती हो। सही कह रहे। जो त्योहार तुम और कहू के रह रहे हो आज फिर दे अरे माँ उपास है किनके माए रह रहे तुम्हारे माए हमारे माए। हाँ अच्छा। हाँ पतिव्रता हो? हाँ पतिव्रता है। मालूम पड़ रहा है तुम कितने पत्नीव्रता हो। जब देखो तब लड़ती रहती हूँ। लोड़ा। हाँ पिताजी। क्या बात है? अरे बात का है, तुम्हें देख लो हम तो दुखी है। दुखी ना, हम तुमसे दो से ज्यादा दुखी है। अब तुम्हें देख लो। हम कहाँ देख ले, जब तारे जब देखो तब लड़ाई, जब देखो तब लड़ाई। क्या बात है, तुमने तो हमारी मट्टी कंदी बनाई। पूरे गांव में हंसी पड़ी फिरते तो नहीं समझा। हमने ना समझा, हमने लाठी उठाई ली तो दो सर है जो। क्या बात का है? अरे दादाजी सुनो तो पहले। क्या कह रहे हैं? धीरे बोलो, शर्म करो, ससुर है तुम्हारे, तुम्हें ना जत्ते लाज है। क्या कहो चाहती बोलो। सुनो सुनो पहले, तुम सुनने बड़ा पे काना। हाँ और ने बड़ाई चला के बताई दी तुम पे लठ बच जाए। हाँ चुप रहो करो, तुम समझे? सुनो बोलो। हम तुम तेरा बता दई से कह रहे। अरे बोलो सुन पाए। मोए नाई मिलो सुख चैन, अरे चैन जा दिन से जा घर में आई। दादाजी हम परेशान हैं, हम क्या करें? हम तो बता ज्यादा परेशान हैं। एक एक करके बताओ भाई। सुनो सुनो। मेरे दिल में कपर खो, अरे लाल किला हमने नहीं देखो। पिताजी देखो गैर मतलब की हमसे लड़ते कि ना लड़ते। बात तो लगा सही है। अब लाल किला जब अपने ऊपर है देव, तुम का लाल किला का बम्बई तुम्हें घुमाई जाए बिटिया काय मूल धरती धरे। अब इतना पैसा हम कहाँ से ले आए जिन्हें लाल किला दिखाए? अरे सवेरे तो हमने बीड़ी ना पी, हम पे पैसा ना, तुम लाल किला देखो चाहते। अरे लाल किला ना तो सुनो तो पहले। मेरे दिल में है एक पर हो,
जाको मतलब तुम्हें सोएबे को ना मिल तो घर में सोएबे घर में कम सोने से बेचैनी बढ़ती है बेचैनी वो काय रात सुत में काम आलो हां बताओ बताओ हम कितने परेशान रात आज सवेरे के उपास है और तुम आए अबे सतरा लगे आए हैं अब दादाजी सुन तो रही हो जे कितनी लड़ंग का है सोने का रहे तुम भी नहीं दियो और कहा तो हां जब मालूम पत्ते तुम दुकरिया लड़त रहे हो हम लगता है समय भर में छोड़ के लेकिन तुम मान ले लड़ मत और बोलो सुनो तुम सुनकर आप कान खोल दो अरे लड्डू पेड़ा कब न लाते लड्डू पेड़ा काहे को आइसक्रीम खवाई तुम्हें मतलब हम काम काम कर कर जे घर में मर जाए तो मेरे लड्डू पेड़ू ना लाते लड्डू ही ले आओ करो तो बताए रे सुनो पहले अरे लड्डू पेड़ा कब न लाते और तापे कत का सुनो पहले मुंह पे बे मतलब सतराते सतराए वे की तुझे खानदान की आदत है काई खानदान तो भगवान ने बावे दवो गोड़ गिफ्ट है और मेरी मानी ना एक उठे ना आज के ना जादिन से जा घर जब आता है दादाजी बात देखो बिटिया लड्डू पेरा की बात तो लली जय जागी जैसी आमदनी ताको तैसो खर्च तुम्हारो तो लड़का है ता से बोल रहे हो तुम लड़का की बात ना है लली हमारे लड़का गंती तुम लड़कों की कहे तुम कछु ना कहे हमें सब पता है सवेरे के हम भूखे बैठे तुम लड़ुआ पेरा मांगे तीन के शर्म करो बिटिया हम सवेरे से उपास है हमने पानी तक नहीं पियो तुम सवेरे लोटा लोटा भर भर मठा तो पी चुके अब उपास है भी तो लली पति तुम आओ हम आओ थोड़ी है वो मजे है तुम पे सफेद धोती पहने में परे ने हमारी सफेद ही गाय देखो लली काहे को तुम परेशान करे हो हमारी गांव में इतनी इज्जत है लोग हमसे राम राम नहीं कहते पता है तुम्हें सही कह रहे हैं दादाजी राम राम ना कहते तो मतलब तुम बहुत बड़े खुरापाती हो खुरापाती ना लला राम राम ना सीधे पांच छुवती तीज जीती थी हमारी गांव में अच्छा सही कह रहे एक काम करो हाँ अब तुम ऐसे मानोगी नहीं कैसे मानोगी हमसे लड़ना बंद नहीं करोगी कबाऊ ना है और हमें पहले से मालूम है तुम कौन से खानदान की हो कौन से खानदान की है बताइए तो नहीं तुम्हारे यहाँ से लड़ाई होती रही है हर समय हाँ हमारे खानदान लड़ाई होती रही है हाँ तो खानदान तो कभी लड़ाई नहीं हुई क्या हुई कहाँ रही है तुमने भैंसे चुमाई माई के भैंसे एक चुप्पा रोक रहो भैंसे एक बात बताओ अब ज्यादा मत बोलो चुप्पा रोक रहो तुम मत बोलो करो तुम अपना मुंह मत कर ले एक बात सुनो मेरी हाँ दादाजी तुम सुन के जाइयो अरे माई के में भूखन मारी हरनी अरे माई के में सूख गए जहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ एक बात बताए बता बता सुना अरे मैके में भूखन मरी रनी अरे मैके में परे रात है मायके की बात सुनो नहीं ये तो कमाई करते ही नहीं हैं तुम्हारी भाभी ने हमें एक एक बात बताई दई है सही कह रहे हरी रात बिना तुमने करी कमाई झूठी कम बोलो कम बोलो नहीं झूठी कम बोलो खेतन में लाई करवाई वो गेहूं काटे सही कह रहे गेहूं हमें तो काटे हमारे घर में तो आदमी लड़का ही नहीं आते कोई और हमें यहाँ तक मालूम है हाँ। अरे तुम बाप के कटवाए धनिया मैके में भाई धनी नहीं होते अरे मैके में भूखन मर
लड़ाई करती नहीं, सही लड़ाई ही लेके चली आ। सही कहा लड़ाई, हमारे घर तुम्हारे भाई ना थे, बाबू ना थे, लड़ाई कर भैया। तो हमारे दद्दा ढाड़े ना, तुम हमें मार बैठो ब्याह। दद्दा लड़िए मत, अलग अलग हटो, हाथ में लला उठाए दियो हमारे सामने। अगर लला हाथ तुमने उठाए तो बहू पे तमाकू घोर की पी ली। लामू मच्चे अम्मा तुम्हारी चली गई लड़ाई के पीछे 2 साल पहले। अब हम चली गई कुछ देर बाद देखियो, तुम जत्ते मत जाइयो, हम तुम्हारे संग है। तो दादा तुम्हारी ना रिपोर्ट हो गई थी। रिपोर्ट लला कछ मत पूछ, अम्मा तेरी बड़ी लड़ाई है ना थी। और हमें लगे थे ऐसा ना अम्मा की आत्मा जामे घुस गई। लला हाथ मत उठाए दिए कि ना तेरी अम्मा ने, हम पे वहां तो उठाए दो बेटा। हमारी जैसी सीधी सादी हुई बेचारी, वे चली गई काका, वो चले गए बिना पाओ बड़े हो तेरे खानदान के नाम पे हाथ उठाए दो। और जे कितनी सीधी है, देखो कितनी सीधी है। तुम मत बोलो ज्यादा, समझ गए? अरे तुम तो खपकान है जाती है एकदम। दादा देखो समझ आओ, फिर अच्छी बात ना है। देखो बेटिया मान जाओ, पति परमेश्वर हो तू है। पहले ये सुनो दादाजी, हमें समझ आए करेंगे, इन्हें उन्हें समझ आओ, इन्हें समझिए, तुम्हें समझिए, दो जने समझिए। आज त्योहार है, गांव की सब बैयर बानी गई है बाजार है, और हम अकेले जब बैठे ना, तुम बाजार है जाओ बिटिया। दादाजी हमने तुमसे चुप पाए ने झुमका बनवाए दे, और आज पोल खुलवा दी हम पे। लला कोई बात काय, हमें तो निरोज जेवर करवाए दो। देखो देखो हमारी समझ में आज करने सोई, तो हम देखें घर को गेहूं गाँव का सब बेच गए, हम तीर्थ यात्रा पे चले गए, तुमने बर्बाद कर। अब ऐसा करो तुम झोला उठाओ पर माइक के जाओ, यहां गुजारो ना होइए तुम। सही कहा था लला, बहु देरी तो बात तो समझ लियो जग बाहर। सुनो पहले अपने मायके में कितनी सुखी है थी, सुनो पहले कितनी सुखी है। सुनो अपने मायके में सुखी रही, फैशन में कॉलेज जाती थी, जी भर के खर्चा मिलता था, जो चाहती थी वो खाती। ये मायके में सुखी रही बहुत, पता है कछु एक काम रे, खाई बिलिया ले उठाते हुआ। कॉलेज में एक ड्रेस पहन के जाती है, कहां तुम पकड़ के ले जाती है भाई, स्कूल में पहन दी थी जाई। अच्छा तुम का देखा ठाड़े रहते हैं भाई। अपने मायके में सुखी रही, फैशन में कॉलेज जाती, क्या करें, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, मेरे जीवन ही ख्वार ओ ख्वार। हमारी तो जिंदगी आबाद हो गई है, तुम्हारी हमारी तो जिंदगी बर्बाद ना है, हमारी तो जिंदगी। अच्छा काका हम तो सफाई बर्बाद हो गए, तुम कहा था हम बर्बाद हो गए, हम जा कहा था हम बर्बाद हो गए। दद्दा ए दद्दा तुम परे रही हो, तुम परे ना रे लला, हमें अपनी इज्जत को ज्यादा ख्याल है, गांव के लोग लला देख रहे हैं, हंसी काहे करवाए, मान जाओ हम तुम्हारे दो जन के न्योरे कर ले। तो तुम समझ आओ है नहीं, कमाए बुढ़ापे का देखो लगुआ काहे को बेइज्जती करवा रहे हमारी। दद्दा देखो समझा दो, ऐसे गुजारो ना है, गुजारो ना है, हम तुम्हें भी समझा, तुम मुंह खोले ठाणी हमारे सामने, हम अब यार नहरे में गिर पड़ेंगे। हमें मत समझाओ लला, समझाओ अपने, और तुम्हें को
हमको समझदार है। तुम तो इतनी समझदार, तुम तो बादरे में ठगड़िया लगाए जाती हो। देखो इन्हें जतन आए कहीं नहरे मत गिरो जाए, जगह रही हूं समझदार। बताओ दो जने हम पे चढ़ बैठे हैं। हम चढ़ छोड़ू बैठे, हम तुम्हें समझा, तुम हमें जवाब देती हो। हम ससुर है तुम्हारे लला छोड़ू बात करती हो। दादा समझाओ लला मान जा और मान जा बहू हमारी सुन ले। मती करी बहू अरी तकरारी तकरारी क्यों मेरो नाम डूबा बेबी मती मान जा बहू बराबर होते ना तुम लले समझाते सबसे ज्यादा। अबे गाँव भाई हमारी बड़ी इज्जत खत्म मान जा लली। तेरी करी सगाई ओरे नोड़ा हमें पूछ ब्याह कैसे करो तू। हमें मालूम है कितनो मैं वो मोर आऊ मोर लला भाई रे बिट्टो खर्चा भाव हाउ लला जान शुरू करो तो हमारी बेइज्जती करो बाप तुम गांव भरे। आज दिन के दिन समझा रे पहले समझा हो तो लड़ाई होती लड़ाई ना है। बोलो इतनी इज्जत है क्षेत्र नमका के लेकिन उन दिन लड़का बहु लगता है लड़का बहु ने लड़का लड़े लड़का तुम देखो तुम हमारे सामने ना छूते हो। हम अबे छोटा उठाए ना 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 हाथ मत लला उठाई दियो हाथ उठाए तो बात बिगड़ती है लला। जा दिन तेरी करी सगाई लाखों की दौलत दई लुटाई जिंदगी भर की लला हमने कमाई लगाई पिताजी ने जो दो सौ उसको धन लो उसको। अरे बिटिया जब बता जब हम ही नहीं कुछ करते तुम्हारे पिताजी का पयाम दे जाते हमें। हाँ सही कहा का पिताजी दो सौ तो है लली जब भगवान की बनाई गई जोड़ी है लड़ो मत बिटिया। अब हम आज ना कल मत जी लली बुढ़ापो है मान जा। ए जा दिन लला की करी सगाई लाखों की दौलत दई लुटाई क्यों घर में मचाई रही लाली वो लाली क्यों मेरो नाम डुबावेगी। हमें तो रार मचाई और जी तो कुछ कहीं ना रहे दत्ता। ओला तो मैंने समझा लियो तो हमें अच्छी आई है दो जने मेरे ऊपर पता क्या करे अपने भैया बुलाए सबसे भैया बुलाए माने भैया बुलाए सही बता रहे बहुत दुखी हुई गए ना 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 ऐसो मत करो बुला दुखी ना है सुनो बोलो भैया बुलवाऊंगी। अच्छा हाँ भैया बुलवाए हम बहुत दुखी है अब रह रहे बारे हम भैया बुलवाऊंगी मैं तो अपने पियर जाऊंगी।
खून पी के डल और सुनो कर रही है। सुनो सुनो पहले सुनो भैया जब आई तो का करे का करे का हमें बनवा के ले चलियो मायके में। नहीं सुनो संग भैया के पियर जाऊं अरे संग भैया के पीहर जा लौटी के ना घर को और सुना हाँ बोलो अरे तुमको फसवाऊंगी मैं तो अपने पीहर जाऊंगी दत्ता अब हवाई लग गई लला धनपाल इत आओ तुम एक साइड को आ जाने को बहुत तुम उतर रही हो हाँ बोलो लला अब चुप्पा सुन लो बात भाई हाँ का कह रहे दत्ता काय को हमारी बुढ़ापे पे खुआरी कर रहे हो अगर जब उम्र ही गई है आ जाने अपने घरे खबर कर दी तो ला तुम्हारे संग में हमारा बुढ़ापो खराब हो जाए हमें कहो ने गाड़ी दे दी ला हमें बस अपनी सफेदी अब हम का करें हमें बताओ तुम लला चुप कछ मत करो तुम केवल चुपचाप रहो हमारी मानो तो तुम चुपचाप रहो ने हमारी सफेदी का देखो बुढ़ापो खराब है लला दादा एक बात बताओ धीरे धीरे बोलने का धीरे सुन लिए धीरे बोल हमारे समझ में तो केवल एक ही बात आ रही है का आ रही है सुनो ये जितनी नारियां होती हैं इनमें अकल ना हो एक मिनट लला सुनिए तुमने जवाब सही कही कई अम्मा बड़ी बेसहूर आती तुम अम्मा की बात मत करो करो तू जागी का तुम अम्मा की ना कि ना की सुनो लला तुम जानते ना मैं बुद्धि ना होते और तने में जा तो हमने तो बुद्धि है हम तुम्हें समझा रहे हैं चाहे सुनो तुम ना जानते लला ने रुक बात सुनो हां तुम ना जानता हो इन्हें ना हो तो सौर इन्हें मार पीट लियो बाद में भीतर ले जाके पांच छो लियो हमारी ना बात बन गई तो तुम पांच गुत रहे हो आई छुपत रहे हम कोई जान तो थोरू बाहर रखो बाहर तो करा तुम कहिए बात अरे मेरी बात सुनो बोलो अरे नारी कछु अकल की है मारी इनमें अब गुण बात भरे ए दत्ता लला इनमें अब गुण ही अब गुण होते हैं सिर्फ तीन गुण होते हैं तीन अब लला जान तो सबो लेकिन मन तना है तुम तो हमारी तीन गुण के अलावा अरे अब गुण बहुत भरे अच्छा इनमें अब गुण बहुत भरे नारी हो नारी लला बोलो मत तो तुम्हारी भलाई है नारायण के पीछे देख राजा महाराजा बड़े मरिए लला तो हम तुम होगा हम पे तो कुछ है ना सिंगल बने हैं।